अब नेक्स्ट बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। किसके बारे में बात आती है? अपन ने पिछले वीडियो के अंदर हमने कंपोनेंट के बारे में बात करी, फेज के बारे में बात करी, अब हम बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि। इसका मतलब क्या है? स्वतंत्रता की कोटि का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, किसी भी अणु को फ्री स्पेस में प्रदर्शित करने के लिए हमें 3 एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी की एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है? 3 की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं कहूँ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये रेड एक्सिस, इस तरीके से ये एक्स एक्सिस की बात करूं, ये वाई एक्सिस के बारे में बात करें और ये हम जेड एक्सिस के बारे में बात करें, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लेने के लिए हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यदि मैं बात करूं कि मैदान के ऊपर पड़ी गेंद, अब मैदान के ऊपर गेंद पड़ी है तो वो हवा में तो हो नहीं सकती, वही देव धरती पर लिपटी हुई पड़ी है, तो उसके अंदर केवल मुझे कितनी होगी आवश्यकता मैदान पर पड़ी हुई गेंद, इसके लिए मुझे केवल कितनी एक्सेस चाहिए? 2 एक्सेस। कौन कौन सी? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। जबकि यहां पे क्या है, स्पेस में, त्रिभुज में किसी भी ऑब्जेक्ट त्रिभुज में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कितनी एक्सिस चाहिए? 3 एक्सिस। कितनी एक्सिस चाहिए? 3 एक्सिस। कौन कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्योंकि वो त्रिभुज में तो आकाश में कितनी एक्स एक्सिस किससे कितनी दूर है, वाई एक्सिस पे कितना है, जेड एक्सिस पे कितना, वो सारा देखना पड़ेगा। मैदान पे पड़ी हुई गेंद के लिए 2 हैं। इसी तरीके से मैं कहूँ किसी भी पाइप में भागती हुई कोई भी जो वस्तु है, मैं कह दूँ कि एक नाली में चलती हुई कोई भी गेंद है, जैसे मान लीजिए नाली, ये कोई भी नाली है, ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर कोई भी गेंद मतलब चल रही है, ऐसे दौड़ रही है, मान लो फेंकी है आपने, इधर जा रही है, तो मुझे पता है कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, किसी भी ट्यूब में फेंकी हुई गेंद के लिए केवल एक ही स्वतंत्रता की कोटि की आवश्यकता होगी। और फिर हम, अगर हमारे पास में प्रावस्थाओं की संख्या है और कंपोनेंट की संख्या है, तो हम एफ को भी निकाल सकते हैं। एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। इससे हम आराम से किसी भी, अगर हमें 2 वेरिएबल्स का पता है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जैसे KCl के जलीय विलयन की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 2। क्योंकि इस तंत्र को स्पष्ट करने के लिए 2 चरांकों, ताप व संगठन को निश्चित किया जाना आवश्यक है। यदि KCl का संतृप्त विलयन लिया जाता है तो इस तंत्र के बारे में जानकारी केवल ताप द्वारा दी जा सकती है, क्योंकि निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन का संगठन निश्चित होता है। अतः KCl का संतृप्त विलयन मोनोवेरिएंट जबकि असंतृप्त विलयन द्विचरम होता है। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अब आपको पता है कि उसके लिए एक ही वो है। अगर आपको आपको पता है कि सैचुरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पानी का ग्लास लिया, उसके अंदर नमक घोला, अपन जब तक घोलते गए जब तक कि उसमें और नमक घुलना बंद नहीं हो जाता। लेकिन ये कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है?
कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो फिर संतृप्त विलयन में वापस से अनसेचुरेशन आ जाएगा, फिर और नमक उसमें घुल सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर संतृप्त KCl विलयन है तो फिर उसके संगठन की जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेचुरेटेड है। वहाँ पे केवल टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेम्परेचर उसका कॉन्स्टेंट होना चाहिए, बस एक ही मतलब अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। लेकिन अगर अनसेचुरेटेड है तो भिन्न भिन्न टेम्परेचर पे भिन्न भिन्न उसका वो कॉम्पोजिशन भी होगा। ऐसा नहीं कह सकते हम कि इस टेम्परेचर के ऊपर इसका मतलब संगठन ये होगा, ये अलग अलग हो सकता है। इसी तरीके से किसी पात्र में गैस को बंद कर रखा है, इस तंत्र को अभिव्यक्त करने के लिए दो चरों ताप एवं दाब को ही निश्चित करना पड़ता है, संगठन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि गैस एक ही है। और जहाँ तक कि तंत्र में उपस्थित गैस के मोलों की संख्या का प्रश्न है, उसका अनुमान उपयुक्त दोनों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। मतलब अगर गैस सिंगल गैस है, मतलब उसके अंदर कोई मिक्सर नहीं है, तो फिर मुझे केवल दो ही वेरिएंट की आवश्यकता होगी, टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि उसका संगठन हर हाल में उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब मेरा ये है कि हमें कितने वेरिएंट चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम, कि उसके बारे में हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या उसकी कंप्लीट स्टडी हम कर सकते हैं, और किसी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। या मैं कह दूं कि किसी भी चीज़ को पूर्ण अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में पूर्ण पता करने के लिए मुझे कितने चरों की या कितने कारकों की आवश्यकता होगी, उनको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप त्रिविम में आकाश में घूमती हुई कोई गेंद है, तो मुझे आपको तीनों एक्सिस की जानकारी होनी चाहिए, केवल मात्र दो एक्सिस से काम नहीं चलेगा। अगर गेंद मैदान पे पड़ी हुई है तो मुझे फिर ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो हवा में कितनी है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मैदान में जमीन पर लिपटी हुई है। तो मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता होना चाहिए। एक गेंद किसी भी ट्यूब के अंदर भाग रही है, फेंकी हुई है, तो मुझे पता है वो उसी डायरेक्शन में फेंकी हुई है, तो उसी डायरेक्शन में जाएगी वो, और किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगी नहीं, इसलिए वहाँ पे मुझे केवल एक ही उसकी आवश्यकता होती है। बर्फ, जल, वाष्प एक बंद बर्तन में यदि है इक्विलिब्रियम में, तो तंत्र की स्वतंत्रता कोटि शून्य होगी, क्योंकि बर्फ, जल तथा वाष्प तीनों संस्था में केवल इतने से इतने मतलब 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 4.58 mm ऑफ HG प्रेशर पे ही रह सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फिक्स है, इतना टेम्परेचर और प्रेशर, तो मुझे कोई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो उसके लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जो सारी बातें हैं हम इसके बारे में देख सकते हैं कि इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और इसके बाद में जो है हम बात करेंगे आगे जा कर के वन कंपोनेंट सिस्टम की, टू कंपोनेंट सिस्टम की, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ से हमारे को क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वाटर सिस्टम है, सल्फर सिस्टम है, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम है, फॉस्फोरस सिस्टम है, जो सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है। कि जैसे मैं कहूँ कि H2O सिस्टम लेंगे, तो H2O में सॉलिड बर्फ है, लिक्विड है, वेपर है, तीनों का कंपोजिशन सेम है, तो वो वन कंपोनेंट सिस्टम हुआ ना। सल्फर है, सल्फर मोनोक्लिनिक भी हो सकती है, सल्फर रोम्बिक भी हो सकती है, सल्फर ट्राइक्लिनिक भी हो सकती है, लेकिन है तो सल्फर ही, इसलिए वो भी वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। अभी ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। थैंक यू।